नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में, जहां पर हमारा आप फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं और डेली दोपहर में हमारी 3 बजे वीडियो आ जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले एक नया शेयर एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जो शेयर है हमारा वो सेक्टर में बिलोंग करता है, बैंकिंग सेक्टर में, और खासकर स्मॉल कैप बैंकिंग सेक्टर में बिलोंग करता है। और इस शेयर ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा रिटर्न दिया और आने वाले टर्म में अगर हम देखें अच्छे खासे सिक्योरिटीज के टारगेट हैं जो कि अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकती है। तो कौन से बैंक के बारे में बात कर रहे हैं उसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिए। और ये सारी चीजें टेक्निकल पॉइंट के साथ बात करेंगे 4 मिनट के छोटे से एनालिसिस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, हाल ही में अभी हमने एक नई प्ले लिस्ट स्टार्ट करी है जिसमें हमने यहाँ पर SIP करी है जीरोधा ऐप के थ्रू, और उसमें हमने कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराया है। तो उस प्ले लिस्ट को जाके चेकआउट करें ये जानने के लिए हमने किस फंड में कितना इन्वेस्ट किया और कितना रिटर्न हमें मिला और कितने टाइम में मिला है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी जानकारी, एक कोट के साथ वीडियो स्टार्ट करूंगा। इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। यानी कि अगर आप समझेंगे शॉर्ट टर्म में अगर आप सोच रहे होंगे तो ये एक वोटिंग मशीन होती है कि कहाँ पर लगा दूँ कहाँ पर ना लगाऊं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं तो आपको लगेगा कि वेटिंग मशीन है कि हाँ यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कि इसमें इतना रिटर्न मिल के आ जाए। और यही हमारा कनेक्ट करता है आज के हमारे इस शेयर के साथ जिसमें हम बात करने वाले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ। और इसकी लेटेस्ट न्यूज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज के यहाँ पर टारगेट आए हैं। करंटली स्टॉक ट्रेड हो रहा है 48 रुपीज के करीब में और इनके टारगेट आए हैं 70 रुपीज तक में। तो क्या ये चीजें हो सकती हैं कि नहीं, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। बगल में आप यहाँ पर हमारी वीडियो देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें अभी आपको मैं दिखाना चाहूंगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 47 रुपीज के करीब में। अगर 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की अगर मैं बात करूँ तो 1 ईयर लो रहा है इसका 44 रुपीज का, 1 ईयर हाई रहा है इसका 68 रुपीज का। यानी कि अभी भी 1 ईयर हाई के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो डिस्काउंट प्राइस पे चल रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा फाइनेंशियल इसके कैसे चल रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा टोटल रेवेन्यू 2022 में जो यहाँ पर निकल के आ रहा है 2033 करोड़ का आ रहा है, और ये बढ़ के हो गया 2023 में 2804 करोड़ का, और 2024 में ये बढ़ के हो गया 3578 करोड़ का। अब अगर नेट इनकम की बात करें तो 2022 में ये था 61.46 करोड़ का, ये 2023 में बढ़ के हो गया 404.49 करोड़ का, और 2024 में ये बढ़ के हो गया 497.63 करोड़ का। यानी कि अगर आप देखें पिछले 3 साल का डाटा तो टोटल रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़ता आ रहा है और टोटल यहाँ पर जो नेट इनकम है वो भी बढ़ती आ रही है। खासकर कंपनी में खास बात ये है कि यहाँ पर कंपनी लगातार डिविडेंड भी दे रही है और कैश फ्लो इनका निगेटिव है, तो ये एक अपने आप में पॉजिटिव बात हो जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अब हम लोग देख लेते हैं कैसा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देखेंगे टोटल प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो है 69.02% के करीब, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 7.08% की करीब, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की है 3.53%, फॉरेन इंस्टीट्यूट की है 0.95%, और रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की है यहाँ पर 19.43% के करीब। यानी कि अगर आप मोटा मोटा समझे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट आप कह सकते हैं 80% के करीब प्रमोटर या फिर क्वालिफाइड इन्वेस्टर की होल्डिंग है, जो कि अपने आप में एक ग्रीन फ्लैग हो जाता है। क्योंकि प्रमोटर या फिर जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर होते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हो या FIIs हो, उनको पता होता है कंपनी में क्या चल रहा है और कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करेगी, उसी बेसिस पे वो पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनको वो उतना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर एक ग्रीन फ्लैग हो जाता है। और ये चीज़ों के साथ मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, आने वाले टाइम में ये 70 रुपीज़ तक पहुँच सकता है कि नहीं, तो अगले 1 से 2 क्वार्टर में एटलीस्ट 70 नहीं लेकिन 60 लेके 65 तक आराम से पहुंच सकता है। ये चीज़ें मैटर करेगी कि अगला फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा आता है। तो करंट प्राइस पे जब भी आपको 15 से 20% का यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर डिक्रीमेंट दिखता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर करेक्शन दिखता है, तो आप यहाँ पर अपने स्टॉक को प्ले लिस्ट में एड ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर अपने स्टॉक को बाय कर सकते हैं SIP फॉर्मेट में। और जब भी इस करेक्शन के बाद एक लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर पर्सपेक्टिव पे लेके चल रहे हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा अगले 2 से 3 क्वार्टर में। 65 से 70 का लेवल आराम से अचीव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी वो करिए तो कमेंट करिए, जरूर बताइए। थैंक यू।